वेलकम टू लीग 11 शॉर्ट्स गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। और कल हमने देखा इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ, हालांकि इंडिया बहुत बुरी तरह हारी, लेकिन आज वैसे ही कड़ाकेदार मैच होने वाला है बिटवीन अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड। अब लोग सोच रहे होंगे यार अफगानिस्तान स्कॉटलैंड का क्या मैच देखें, लेकिन इनकी बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है, एक बार वर्ल्ड कप के अंदर खेले हैं, लेकिन एक बार के अंदर क्या मज़ेदार मैच हुआ था। आपको याद होगा कि 2016 के अंदर ये दोनों टीमें बड़ी थी जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था, और अफगानिस्तान ने बहुत ही अच्छी तरीके से स्कॉटलैंड को हरा दिया, लेकिन तब स्कॉटलैंड की टीम इतनी खास नहीं दिख रही थी। लेकिन आज अगर हम देखें, स्कॉटलैंड क्वालिफायर्स में 3 से 3 मैच जीत के आई है, और उनकी जो मेन बॉलर है जॉर्ज डेवी, उनके कमबैक हुआ है, और उन्होंने जो विकेट्स लिए, 7 विकेट्स लिए और बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमी पे लिए, और मेरे ख्याल से आज बहुत बड़े बॉलर बन सकते हैं अगर शारजा की पिच पे उनने विकेट निकाल लिए। अब शारजा की बात कर रहे हैं तो स्पिन कैसे नहीं आएगी? स्पिन आ रही है तो स्पिन के साथ मोहम्मद नबी जो है, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ क्या बॉलिंग करी थी, 3 विकेट लिए थे 2 रन देके और एकदम टाइट करके रख दिया था वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप को। और मेरे ख्याल से आज अगर कंडीशन फेवर करती हैं तो मोहम्मद नबी आज वापस जादू चला सकते हैं। मोहम्मद नबी के साथ उनके जो स्पिन पार्टनर राशिद खान, उन्होंने कैसे बोलोगे यार, IPL के अंदर नहीं छोड़ा तो T20 वर्ल्ड कप कैसे ही छोड़ेंगे। सो आदिल राशिद खान पर भी हमें बहुत नज़र टिका के रखनी होगी। आज हम बात करें स्कॉटलैंड के स्पिनर्स की, वीट नाम के एक बॉलर हैं, उनका अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, अगर उनका अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो मेरे ख्याल से आज स्कॉटलैंड का भी चांस बन सकता है। तो जो टॉस जीतेगा आज क्या करेगा, बॉलिंग करेगा, क्योंकि आप पता है कि ड्यू आ रही है धीरे धीरे, ठंडा मौसम होता है तो सेकेंड इनिंग्स के अंदर ड्यू आ जाती है, तो जो बॉलिंग करेगा वो फायदे में रहेगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स के अंदर बैटिंग करनी है और पिच अच्छी हो जाती है, छोटी बाउंड्रीज हैं। सो आज हमने बात करी अफगानिस्तान स्कॉटलैंड के बारे में, अगली वीडियो के अंदर आपसे हम जुड़ेंगे जल्दी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड फॉलो लीग 11।